भतीजा को ही रहना पड़ेगा। सरकार में उनके तो चुनाव के प्रचार तक में नहीं गए जी, रियल तो कल आएगा। क्या क्या होगा सर, क्या करेंगे? तो काउंटिंग कल भाई है तो हमसे क्या पूछ रहे हो? उनको आपका क्या पूर्वानुमान? हम क्या, हमको वोट डालने गए हैं तो कल ही जाएगा, कल देख लिया जाएगा एकदम पक्का। जिस अनंत सिंह को बंद कराया गया था उसी के चुनाव प्रचार तो आप ही के श्रीमान जी सांसद हैं, आते हैं उनको सवाल पूछिए, पूछिए उनसे। अरे उनको सांसद कौन बनाया था जी? मुंगेर के जितने एनडीए के कार्यकर्ता थे, अभी घूम किस कैसे रहे? आखिर भाई अब तो उनका लक्ष्य के सामने हम जब मर्ज ही करने जा रहे हैं तो कार्यकर्ता लोग तो जाए जहां जाना है। तो क्या लगता है वो अगली बार फिर से सांसद बन पाएंगे? क्वेश्चन नहीं उठता है। फिर आप देख लीजिए, 6 विधानसभा है, बाढ़, बीजेपी लड़ी जीत गई, मोकामा जेडीयू लड़ी हार गई, आप आइए लखीसराय बीजेपी लड़ी जीत गई, सूरजगढ़ जेडीयू को लड़ाया हार गई, आगे चलिए आपका जहां क्षेत्र है ये, यहां जेडीयू को उम्मीदवार हार गया और बीजेपी का जीत गया मुंगेर। तो श्रीमान जी कहां से जीत हासिल करेंगे? जमानत जमा बचाना मुश्किल होगा जी। मतलब पिछले बार हम लोग आए थे, देखिए मैं बता दूं, हम लोग नॉमिनेशन में आए थे, घर घर जा करके लोगों से वोट मांगे थे। कोई मुंगेर विधानसभा लोकसभा रहने वाले हैं ललित सिंह का अपना कोई जनाधार नहीं है? नीतीश कुमार के चेहरे पे 0% आधार है। थैंक यू सर। अभी तो मैंने इस पर एक बार नहीं कई बार रोज बोल रहे हैं कि अभी तो हमारे जितने साथी हैं सब जगह जा रहे हैं, सब लोगों से विचार विमर्श चल रहा है, उसके बाद निर्णय होता है। कयास तो कई भी लगाए जाते हैं कि भाजपा के साथ जाने वाले हैं, भाजपा के साथ भी जाने वाले हैं, क्या उसमें भी कुछ है क्या? अरे भाई ये तो कयास लोग लगाते ही रहते हैं। मैंने बता दिया ना, देखिए बात आप तो जानते हैं ना जी कि मैं तो एनडीए में मंत्री रहा हूँ, तो स्वाभाविक है कि काम किए ही बीजेपी के साथ। हम तो अपने जितने हमारे साथी हैं सबके यहाँ जा रहे हैं, सबसे विचार विमर्श हो रहा है, उसका हम लोग निर्णय लेंगे। बिहार की आज जो राजनीतिक स्थिति बन गई है उस पर क्या कहेंगे सर? बिहार की स्थिति तो बहुत ही दयनीय है, आपने ठीक पूछा। आप जरा सोचिए, किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर कहीं निकलते हैं और उनके साथ कुछ दुर्घटना हो, जैसे अब देखिए छठ घाट के निरीक्षण के लिए मुख्यमंत्री निकलते हैं, पूरा अमला उनके साथ, सरकारी स्टीमर है, सब लोग हैं, और वो स्टीमर में बैठे हुए हैं, स्टीमर टकरा जाती है, मुख्यमंत्री जी को चोट लग जाती है, क्या है जी? जिस प्रदेश में इससे ज्यादा क्या हाल हो सकता है कि मुख्यमंत्री सुरक्षित रहेंगे? बहुत गंभीर बात है। मतलब क्या हो रहा है, कोई किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहा। बताइए कि आप स्टीमर पर जा रहे हैं, स्टीमर टकरा जाएगी, ये क्या है? ये सीधा सीधा है कि सब लोग बिल्कुल निश्चिंत हो, किसी को शासन से प्रशासन से जिसको सुशासन का कोई चिंता नहीं, सब लोग बेपरवाह हैं। आप समझ लीजिए कि क्या हुआ होगा, लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे, गपे चल रही होगी, भुंजा पार्टी के 10 लोग उसमें बैठे हो, टकरा गए स्टीमर, ड्राइवर भी जो पायलट होगा सुन रहा होगा, उसकी भी रुचि नहीं। तो ये तो एक इंडिकेशन है, मैंने इसलिए जानबूझ के आपने बता कि क्या स्थिति है, इससे बदतर क्या स्थिति होगी। और मुख्यमंत्री जी को बार बार ही बताना पड़ रहा है कि मुझे चोट लगी हुई है। सर एक सवाल है कि हमेशा ये बात आती है कि मुख्यमंत्री जी भुंजा पार्टी करते हैं, आखिर इसके पीछे है क्या? अरे बहुत स्पष्ट है। सरकार कितने दिन चलेगी सर, चाचा भतीजे की सरकार कितने दिन चलेगी? देखिए भतीजा का तो होशियार रहना पड़ेगा।